and welcome back. So in this video I'm going to discuss about PMRF. तो उसकी full form है Prime Minister Research Fellowship. ये fellowship किसके लिए होती है जो PhD करते हैं इंडिया से, right? उनके लिए होती है fellowship. ये 2019 में start की गई थी so that we can improve the research in our India. ठीक है, तो इंडिया में research improve करने के लिए लाई गई थी. तो इस fellowship में आपको जो पैसे मिलते हैं वो है first year, second year आपको 70,000 दिया जाता है, third year में आपको 75,000 और fourth और fifth year में 80,000 मिलता है. ये तो मिलता ही है, साथ में आपको हर साल 2 लाख रुपीस मिलते हैं so that you can use that money into your research. तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस फेलोशिप के लिए, किस इंस्टीट्यूट्स में मिलती है ये वाली फेलोशिप, और लास्ट में जानेंगे कि किस बेसिस पे बच्चों का सिलेक्शन होता है इस फेलोशिप में. सो वीडियो को पूरा देखते रहिए. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है केमिस्ट्री रिलेटेड, कोई भी एग्जाम से नेट के रिलेटेड, गेट के रिलेटेड और आईआईटी जैम के रिलेटेड, तो आप और एमएससी एंट्रेंस आप मुझे कोई अपनी क्वेरी जो है वो सेंड कर सकते हो इस ईमेल आईडी पे. ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस ईमेल आईडी का. और आप यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. तो जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम है रिएक्शन वर्ल्ड केमिस्ट्री, राइट. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट. सो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. और मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए उस वीडियो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हो. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो पहले बात करें एलिजिबिलिटी. सो एलिजिबिलिटी जो है इसकी वो डिपेंड करती है आपका, अगर आप बीएससी और एमएससी में हो तो एमएससी के लास्ट ईयर में हो तो आप फिर भी इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो. लेकिन आपको ये फेलोशिप इसलिए मिलती है जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो या सिलेक्ट हो जाते हो, राइट. तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको सीजीपीए चाहिए होता है 8 और आपका जो गेट स्कोर है, गेट के एक स्कोर आते हैं. ठीक है, जब आपके गेट का 100 में से मार्क्स आते हैं उसके साथ में ही आपका गेट का एक स्कोर आता है, तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 650. मतलब 650 से ज्यादा होना चाहिए ये एलिजिबल. ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आईआईटीज या एनआईटीज से पीएचडी एमएससी नहीं किया. ठीक है, जो बच्चे आईआईटी से या एनआईटी से या आईसर से ऐसे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करते हैं उनके लिए, सॉरी जो एमएस करते हैं या एमएससी करते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि उनकी जो सीजीपी है वो कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए. तो गेट वाली एलिजिबिलिटी उन बच्चों के लिए नहीं है, राइट. सो अब ये क्या हर यूनिवर्सिटी, हर आईआईटी में, हर एनआईटी में क्या ये फेलोशिप मिलती है? आंसर इज नो. तो इसके लिए कुछ ही इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ये वाली फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. उसमें से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सारी आईआईटीज जो भी इंडिया में आईआईटीज हैं सब एलिजिबल हैं. ठीक है, उसके बाद सारे आईसर्स, जितने भी आईसर्स हैं, भोपाल ले हो गया, मोहाली हो गया, कोलकाता हो गया, सारे एलिजिबल हैं. उसके बाद आईएससी बेंगलोर भी एलिजिबल है. देन कुछ ये वाली यूनिवर्सिटीज आ जाती है, तो इसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ये हो गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये एलिजिबल है. और उसके बाद सिर्फ एक ही एनआईटी, इसके लिए आप जब इस एनआईटी में हो तभी आप ये फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये वाला एनआईटी हो गया, राइट. उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिल्ला इस्लामिया हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, ये वाली सारी जो है अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो तभी आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट. अब ये फेलोशिप कितने बच्चों को मिलती है, सो इट्स रियली वेरी गुड कि आपको इतना ज्यादा पैसे मिल रहे हो. अगर आप मेनली पीएचडी कर रहे हो विद जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ के साथ करते हो तो आपको 31,000 मिलता है, प्लस एचआरए मिला के तो 35,000. तो इसमें डबल अमाउंट मिल रहा है और आपको रिसर्च के लिए अलग से 2 लाख रुपीज. तो इसके लिए मतलब काफी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही होते होंगे, तो ओनली 1,000 बच्चों को ऑल ओवर इंडिया हर साल ये फेलोशिप मिलता है. अब ये कौन डिसाइड करता है किनको मिलेगी फेलोशिप, ये
डिपार्टमेंट के हाथ में भी होता है. डिपार्टमेंट में से कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, वो मेरिट बेसिस पे हो सकते हैं कि उनके गेट में कितने स्कोर हैं, तो वो उनका अलग से क्राइटेरिया रहेगा हर डिपार्टमेंट का कि किस बेसिस पर वो सिलेक्ट करेगा. तो ये फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, मैथमेटिक्स से है, बायोलॉजी से है, हर डिपार्टमेंट से ये बच्चा सिलेक्ट किए जाएंगे जो पीएचडी कर रहे होंगे. ठीक है, तो उनका वो सिलेक्शन के बाद फिर वो जो रिसर्च के लिए वो भेजे जाते हैं कि ये हर डिपार्टमेंट अपने स्टूडेंट्स भेजता है, फिर उनका आगे सिलेक्शन होता है. अब वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? सबसे मेन बात होती है रिसर्च प्रपोजल, कि आप किस पे रिसर्च करना चाहते हो. तो आपको रिसर्च का प्रपोजल लिखना पड़ता है प्रॉपर कि आप इस पे रिसर्च करना चाहते हो. अगर उनको वो अच्छा लगता है तो आपको वो फेलोशिप देंगे. तो बहुत से क्राइटेरिया रहते हैं उनको, आपको वो सिलेक्ट करेंगे फेलोशिप के लिए इनके नहीं करेंगे, क्योंकि मेनली जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए जिसका आगे जाके यूज हो. ठीक है, तो हमारे इंडिया को आगे जाके यूज हो उसका. ठीक है, तो रिसर्च अब स्टूडेंट के प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि उसकी कितनी पब्लिकेशंस रही हैं एमएससी तक, उसका क्या रिसर्च एक्सपोजर था, ग्रेड्स कैसे थे, रिकमेंडेशन लेटर्स. ठीक है, तो ये सब कुछ आप एमएससी में कैसे गेन कर सकते हो, रिसर्च का एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हो, ये तो इंटर्नशिप में से आ सकता है, या आपका अच्छा कोई एमएससी में प्रोजेक्ट हो इसलिए ऐसे आ सकता है. तो अगर आप सोच रहे हो पीएचडी करने का, तो आई थिंक यू शुड अप्लाई. आपको पीएमआरएफ के लिए एलिजिबल होना चाहिए. उसके लिए तो एक गेट स्कोर तो हो गया, चलो ठीक है. उसके बाद ये सब चीजें के लिए आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो. मैंने उस इंटर्नशिप का वीडियो बनाई थी, इंटर्नशिप के क्या क्या फायदे होते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हो. राइट, सो आई होप मैंने सारी इंफॉर्मेशन कवर कर दी है. अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.